आज मैंने देखा हाँ कि मनारा और अंकिता का कुछ तो हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, बट आई फील रियली सैड फॉर मुनव्वर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको उस तरह से। वो हाँ मैंने देखा, वो किचन में पोहे के ऊपर कुछ लड़ाई हुई थी। और मैम सबसे पहले क्या करने जाएंगे आज की शाम? बहुत अच्छा लग रहा है देख के, माहौल बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हुआ है यहाँ पे। इंडस्ट्री के काफी सारे लोग एक साथ आए, मैंने काफी फ्रेंड दोस्त किया है जी। मैंने क्या पूछ लेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटमेंट वही है एक्चुअली कि एक मौका होता है, एक इवेंट होता है जहाँ पे सब मिल लेते हैं, तो एक वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, इस बहाने मिलना हो जाता है, तो आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ है। एंड मेरा भी आने का शायद यही कहीं ना कहीं रीज़न रहा है कि मिलना हो जाएगा सबसे। बिल्कुल, तो ज़रूरी भी है। बिल्कुल मैं विश्वास की बात करूँ, बहुत सारा घमासान मचा हुआ है घर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले? नहीं, मुझे मैं एज सच फॉलो नहीं कर रही हूँ अभी बिग बॉस, बट जो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स पे देखती हूँ वही सब। आज मैंने देखा हाँ कि मनारा और अंकिता का कुछ तो हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है। ठीक है यार, दे आर प्लेइंग अभी धीरे धीरे। मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे सब यू नो अपने रियल अवतार में आके और अच्छे से गेम खेलेंगे। सो आई थिंक एवरीबडी हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग देयर गेम, और ठीक है अच्छा कर रहे हैं सब, बट आई फील रियली सैड फॉर मुनव्वर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको उस तरह से यू नो रोते हुए देखना, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे पर्सनली वो पसंद है, और जो भी उनके और उनके जो भी आयशा नाम है ना उनका, क्या नाम है आयशा ना, उनके बीच में जो भी रिफ्ट्स हैं आई गेस कि वो इतना ज़्यादा ना लाएं, मुझे अच्छा नहीं लगा। बट द गेम इज लाइक दैट, द शो ही वही है, अगर आप उस शो को चूज कर रहे हैं तो पर्सनल कुछ बचता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है डिग्निटी के साथ सामने वाले की भी रिस्पेक्ट को देखते हुए थोड़ा सा संभल के करना चाहिए जो भी करना है, एंड आई एम श्योर वो करेंगी, वो क्योंकि आई थी एंट्री थी इसलिए वैसा हुआ। वो हाँ मैंने देखा, वो किचन में पोहे के ऊपर कुछ लड़ाई हुई थी, और हाँ ऐसे कुछ कुछ मैं देखती रहती हूँ दोनों का, बच्चों की तरह दोनों बिहेव कर रहे हैं, और बहुत एडल्ट हैं दोनों, बहुत समझदार हैं, बट स्टिल दे बिहेविंग लाइक 16 इयर्स ओल्ड। तो मुझे वो देख के बड़ा अटपटा लग रहा है कि आप लोग मैरिड कपल हैं, मतलब इतना साल हो गया शादी को, तो क्या आप बिग बॉस में आके एक दूसरे को जान रहे हो, क्या हो रहा है भाई? न्यू ईयर के लिए मैसेज, नए साल के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छा रहे आप लोगों का साल, जितनी इस साल में मुश्किलें रही होंगी उन सबसे आई एम श्योर आप लोगों ने एक्सपीरियंस ही गेन किया होगा, तो उनको एक्सपीरियंस के तौर पे लीजिए, डिप्रेस नहीं होइए, और अगला साल सबका बहुत अच्छा जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर।